आगरा के सैया थाना क्षेत्र के आगरा ग्वालियर मार्ग माही स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को रौंद दिया। कांवड़िया की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। इसके बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कांवड़ लेकर आ रहे दो सगे भाइयों में डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर भाग भी गया। थाना सैया क्षेत्र का ये मामला है। दो सगे भाई जो कि राजस्थान धौलपुर के मनिया के रहने वाले थे, हनौत गांव के रहने वाले गोपाल सिंह और परमजीत सिंह काजगंज सोरो से कांवड़ लेकर आए थे और अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान तेहरा चौराहे के नजदीक डंपर ने टक्कर मार दी। इससे गुस्साए लोगों ने आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। कांवड़ यात्रा के लिए गए थे तो घर से लौट के अभी कांवड़ लेके आए थे, जिसके बाद जो बच्चों ने बोला कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो लोग मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं, तो ये थोड़ा आगे निकल आए, हम थोड़ा पीछे रह गए थे। जैसे वहाँ पर कपूर आबाद के पास वो जब तक यहाँ पर इनका इतना एक्सीडेंट हो गया जी। आपने पुलिस को सर यहाँ पे करीब करीब दो घंटे बाद पुलिस आई, दो घंटे बाद हमारी सूचना के दो घंटे बाद, जब तक हमारे लोग कुछ कुमारी से भी आए थे और कुछ लोग हमारे जो आगरा के पास थे सिकंदरा वगैरह वहाँ से भी आ गए थे। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम तो सर कुमेरी के, लेकिन जो बच्चा आ रहा हमारे रिश्तेदार का। हादसे में 23 साल के दीपचंद की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, एसडीएम भी पहुंच गए थे। लोगों में खासा गुस्सा था। हाईवे पर जाम के चलते वाहनों की लंबी लंबी लाइनें दोनों तरफ लग गईं। लगभग 4 घंटे तक हाईवे जाम में फंसा रहा। हमारे सम्मानित कांवड़िए जा रहे थे अपने घर वापस मनिया, दीपचंद जी 22-23 साल उनका पीछे से किसी ट्रक के द्वारा टक्कर लगने से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई है, जो बहुत ही दुखद है। उनके परिजनों को समझा बुझा दिया गया है, वहाँ के एसडीएम साहब से बात हो गई है। यहाँ के सारी कागजी कार्रवाई FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद उनको वहाँ राजस्थान गवर्नमेंट से जो चिरंजीवी योजना है उसके तहत जो भी उनको सहायता राशि है वो प्राप्त हो जाएगी और हम लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, जाम खुलवा दिया गया है। लोगों में खासा गुस्सा था, लोग खासे आक्रोशित थे। गुस्साए लोग स्थानीय विधायक और उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए थे। एसडीएम खेरागढ़ मौके पर पहुंचे थे, समझाया, मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया, उसके बाद ही शव को हाईवे से हटाने दिया गया। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।